अवतार है भगवान का। कौन? मोदी। अवतार ही है वो। पायलट तो खाई कौन? नक्कम आदमी जी पायलट को खाई एक महत्व ही कौन पायलट को? कांग्रेस वालों को जाते यही भाषा से, बीजेपी वालों को जाते यही भाषा से, ये सब नीचे रो मिले। बाकी के जो कैंडिडेट हैं, ये केसी मीणा है, दूसरे हैं नरेश मीणा। नरेश मीणा ये दावा कर रहे हैं कि युवाओं में उनकी लोकप्रियता है और वो चुनाव जीतेंगे। क्या अब सचिन पायलट के कहने पर गुर्जर समाज के लोग वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो सरकार की कोई योजनाओं का फायदा मिल रहा है? फायदा की जरूरत को ना अपन तो और कोई नहीं अपना दूध को पिया लो मुझे सीताराम। सबसे बढ़िया गुजरों में कौन सा नेता हुआ? सुनो सुनो, अब क्या गोकुल जी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्टर साहब पर। इस वक्त राजस्थान में उपचुनाव है और मैं देवली उनियारा विधानसभा सीट के बीजवाड़ गांव में हूं। कमाल की ये जगह दिख रही है और कुछ लोग यहां पर बैठे हुए हैं, उनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है साहब? महावीर जांगिड़। जांगिड़ साहब, क्या माहौल है इस बार सरकार का? और बढ़िया माहौल चल रहा है, बीजेपी की सरकार बनेगी। और सरकार तो बनी हुई है? नहीं, राजेंद्र गुजरे जीतेगा साहब। अच्छा, यहाँ से आपके जो क्या वजह है? वजह तो बढ़िया है, कामकाज बढ़िया हो रहा है। बढ़िया, पहले भी 5 साल बढ़िया कामकाज किया था राजेंद्र गुजरे साहब ने, अभी बहुत काम कराएगा इसलिए जीतेगा। और क्या, तो आपको क्यों लगता है कि राजेंद्र गुर्जर जी जीतेंगे? क्या समीकरण आपको लगते हैं? समीकरण तो पहले भी बढ़िया था, पहले भी 5 साल देखे गए थे अध्यक्ष साहब। और क्या काम किया था? बहुत पूरा सब जो भी सब काम किया था, बहुत बढ़िया काम किया सबने। सब बीजेपी ने टिकट क्यों नहीं दिया? टिकट क्यों नहीं दिया? बाहर का आदमी आया था इसलिए टिकट नहीं दिया। और क्या, इसी वजह है। और क्या, बाहर के क्षेत्र विधायक को नहीं था उसमें, इसलिए टिकट नहीं दिया था। इस बार ये लोकल हैं इसलिए इनके पास जीते गए। लोकल जीते गए, जीत जाएंगे सब। आराम बढ़िया, पूरे आसपास सब एक ही चल रही है, राजेंद्र जी चल रही है। राजेंद्र गुर्जर के जीतने की वजह एक तो उनका लोकल है, इसके अलावा कोई योजनाओं का भी असर है? लोकल तो पहले भी काम काज बहुत बढ़िया गया था राजेंद्र जी ने। सरकार की योजना, सरकार की योजना चल रही है बढ़िया। सरकार की, बीजेपी की सरकार चल रही है, बजरंग योजना है, मोदी की योजना चल रही है बढ़िया। कौन कौन सी योजना? किसान मोदी योजना की चल रही है ना, किसान योजना और सभी योजना चल रही है। और क्या, जो लोग हैं बताइए भाई, क्या नाम है? पहले थोड़ा आगे आइए। मेरा नाम रामराज गुजर। गुजर जी, क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ पे फिलहाल माहौल बीजेपी का ही दिख रहा है। अच्छा, वो राजेंद्र गुजर है इसलिए? नहीं, उसके हिसाब से नहीं है। अच्छा, अभी देखो जो फिलहाल जो पिछले शासन हुआ 5 सालों में, यहाँ की जनता जो आसपास के रोडों को जहाँ पे कनेक्ट करती है, इधर रामतला ले लो, इधर सल्लारी ले लो, इधर मोलकिया ले लो, इधर जो भी आसपास जहाँ पे ये कनेक्ट होते थे, वो रोडों की हालत बहुत ख़राब थी। लेकिन पिछले 4-5 महीनों में से इनका जो सेंक्शन हुआ है, जहाँ उससे यहाँ की जनता को विश्वास है कि आगे जाके भी और काम होगा। अच्छा, मतलब जो पिछले 10 महीनों में सरकार का काम हुआ उससे उम्मीदें बढ़ी है? पिछले 4-5 महीनों में जो उन्होंने रोड को सेंक्शन दिलवाया, तो उनके काम भी स्टार्ट हो गया, तो उनसे जनता को फायदा होगा, आसपास की लोकल जनता को। जबकि पिछले कुछ सालों से परेशान ही थे यहाँ से, जैसे रामतला जाना हो, केकड़ी जाना हो, लोगों को बहुत सारी परेशानी। बाकी के जो कैंडिडेट हैं, ये केसी मीणा है, दूसरे हैं नरेश मीणा। नरेश मीणा ये दावा कर रहे हैं कि युवाओं में उनकी लोकप्रियता है और वो चुनाव जीतेंगे। वो उनका मानना है कि मैं चुनाव जीतूंगा, वो सभी ऐसे ही सोचते हैं कि भाई मैं चुनाव जीतूंगा। आप क्या सोचते हो? मैं तो मेरे हिसाब से बीजेपी जीतेगी। अच्छा। वो सब अपना अपना मत होता है लोगों का, भाई मेरे हिसाब से कोई नहीं, अपने आप को कोई हारा हुआ नहीं जानता है। राजेंद्र गुर्जर के जीतने की आपको क्या वजह लग रही है? क्या उनमें खासियत है कि आप लोग उनको मान रहे हो कि ये जीत सकते हैं? राजेंद्र गुर्जर जैसे अगर बीजेपी का अगर कोई MLA बनता है, अभी सरकार भजन लाल सरकार यानी बीजेपी की सरकार है, तो उनकी कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी। कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी तो विकास ज्यादा मतलब फायदा सोच रहे हो कि जिसकी सरकार है तो विकास में प्रगति जल्दी आएगी, वही कारण है। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो आपस में मिलते हुए भी नज़र आ रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गोकुल नाम मेरा। गोकुल जी, यहीं के रहने वाले हो? हाँ, यहाँ का ही है साहब। क्या है इस बार यहाँ का माहौल? बढ़िया है साहब, बढ़िया चल रहा है। किसके पक्ष में? राजेंद्र जी के। अच्छा, तो राजेंद्र जी की वजह से या फिर मोदी का फेस है, भजनलाल सरकार की कोई योजनाएं हैं क्या? भजनलाल की योजना की तो कहीं झोल कहीं हाल तो आई कौन कहीं। भजनलाल बेटे पर तो अरे अब भी खना दे तो बाहर नहीं आ रही।
बजन लाल बैठ जाए कनाया जा अपन बाजी योजना खत्म होगी जो मन ध्यान हाथ उठ गई और सब मर गया हाथ उठ गए अच्छा गाली बंद हो जाए और कहेंगे अच्छा मोदी सरकार को लेकर क्या है आप बढ़िया से साहब उतार है भगवान का कौन मोदी उतार ही है वो ऐसा के लिए तो ऐसा क्यों लगता है आपको देश के लिए एक ऐसा आदमी जो देश ने भी बचा लियो और योजना भी सी मेली जे जो कोई नहीं मेल सका तेरा प्रधानमंत्री आ चुका कौन कौन सी योजना अजी जान मान लियो लड़ाई सी एक कोरोना आ गयो तो देश ने बचा लियो खुद गन और दूसरा देश ने भी साथ दियो पूरा साथ दियो और झूठ ने बोली जो भी था ना या चीज दे दियो जो ते कमार खाओ भाई कमार खाओ मारने के याद से और एक डायरेक्ट कर दियो जो कोई ने सोना का पान न पड़े मिथान डायरेक्ट दे दियो अच्छा लोगों के खातों में डायरेक्ट डायरेक्ट कर दिया भाई एक उको साथ देता तो कनका ही कर बैठ तो साथ बार कटे दियो साथ उतरी करते भी साथ नहीं दियो जत्रो फैली उन्हें सीटा मिली इतनी कटे मिली अब की बार लोगों ने उतना साथ नहीं दिया आपके यहीं से साथ नहीं मिला आपके हरीश मीणा उन्हें चार मिल जाए सब तो पब्लिक ही मार लगाओ नहीं जब पटक नहीं दोगे टुकड़ो और फिर भी नकाब हो जाओ तो कहीं करे वो मरेगी कहीं अरे एक लो आदमी कहीं नहीं कर सके भाई एक लो अगर साथ कौन देगा कोई तो फिर एक लो कहीं गिरी वही बात पहले के बेसलाओ को शान नहीं दियो सारा ही तो बेसला जी ग्रह चल गया विजय बेसला साथ देता सारा ही तो बेसला जी जीत जाता किस किसने नहीं दिया सब ने नहीं दिया नेता लोग एक भी नहीं दियो एक भी नेतो कौन दियो उन साथ क्यों क्यों नहीं दिया वो रावण है राउंड है बट जीत जाएगा तो यहाँ से हिलेगा ही नहीं और मंत्री और बन जाएगा वह ये विजेश को साथ न दियो मैं तो कब बाप न उन्होंने देखा था भाई एक दमदार आदमी जो चमका दे तो एरिया ने सबको साथ दे तो और एरियो चमक दो मको अच्छा उनके पिताजी जो कर्नल साहब थे उनको देखा हाँ साथ काम किया काम ना मैं तो गया था उन्होंने देखा था मलिया था ना टोंक बार मर पाया था मैं हाय रे बातें करी जी बहुत दमदार आदमी जा और ये भी दमदार ही है बनता तो होता ही उन्हें बनिया ही कौन जब कहीं से वो वही करे क्या बका जान हो गया और जो गुजर नेता हैं चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी हो उनको लेकर क्या मानना किस तरह से है नेता क्या ना जैसे एक कांग्रेस में भी हैं सचिन पायलट पायलट तो कहीं कौन नक्कमा आदमी जी पायलट को कहीं एक महत्व ही कौन पायलट को जब वो कांग्रेस उस सरकार जी गहलोत जी की उन्हें नक्कमा हारा खेद दी और फिर भी वो कहीं नहीं कर सके तो फिर उनको मैं तो कहें गुजरा और सुकुतिया बना दिया जी मैं उनके भी दौलत हूँ वो सीटें दे आप भी गुजर हैं हाँ मैं वोट दिया था उन्हें हाँ कांग्रेस में कनाडा ने दिया दिया भाई आपने जो नेतो बनी राजू हारे ने डबो क्यों माने तो माने वो डबो क्यों सीटें ले रहे उन्हें बना दियो उन तो बुनी रेगुलर लटकते मैंने भी लटक क्या करना चाहिए था उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए या उद्धम की तरह मैं छोड़ूंगी पार्टी को तेरे को कांग्रेस नहीं चाहिए मेरे तो बन तो कुछ तो मलतो न जो खाई ने मिली वही मगा जाए मतलब लड़े लेकिन ढंग से नहीं लड़े लड़ी ढंग से लड़ी नहीं तो गुजरे ने भी काट दिया और खुद भी कट गयो अजय कट गयो ना और कहा जब कोई कोई छब्बी को अनुभव अब आज कांग्रेस को करो वजन तो गुजरे का वोट थोड़ा ही मिले अरे अब सुनो सुनो वोट क्यों अब क्या गराली क्यों मिले गोकुल जी क्या अब सचिन पायलट के कहने पर गुजर समाज के लोग वोट नहीं देते नहीं देंगे नदी में तो अच्छा हाँ अब दे जाने में नटा मजो ही नहीं जाने में नटा भाई मजो ही नहीं तो क्यों ऐसा क्या हो गया अभी अब नहीं चाहते आप उनको मुख्यमंत्री नहीं 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 आगे जा भी खाई नखर गए हो अच्छा हाँ पुराना अनुभव ठीक नहीं रहा हाँ हाँ खाई नहीं हाँ फिर नकम्मा मनायो वो दूजा ने मनायो तो इस दिन आज नहीं लगवा चलो सबसे बढ़िया गुजर नेता कौन हुआ है आपके सबसे बढ़िया गुजरों में कौन सा नेता हुआ है बेस लो ही जुमा के तुम बार का मतलब बीजे बेसला जो बार का पर हार गयो जे बेसला या कर्नल साहब कर्नल साहब जो गिया फैली हां नहीं सब की बात कर रहा हूं मैं अब तक जो यूं तो बेसलो उको कर्नल जो अच्छा जो पूरा नहीं हला जो बे यो कर्नल शो जो जो आज सामने यान मान लियो मान तो गुजरन तो घर हलाना ही चार की लारा लागना पर सरकार भी दूजी जो का गल्या उ टाइम के मायने सरकारा भी यान डगमगागी जी भाई मादे सो दी करी कहीं हाँ पटड़ियाँ पाड़ बो पटड़ियाँ पर रोटियाँ खा बो बहुत मुश्किल हो जाए आज भी एक गेला ने एक साधन रोक सका एक साधन भी रोक सका कोई मोटरसाइकिल ने भी दे रे पटकी रिफरा कर दे रू पोचा की सरकार की रेला ने रोक दी तो एक कंबला जी की बड़ी हिम्मत का मत काम चार बुकन का ताग चीज दे रोकी ना
फिर भी जार को समझो तो करियो भाई, दादा भाई तू कान समझे, समझे क्या तू समझे दीदी जार भाई तू कायर कहीं तो ले जब 5% रहे गुजरा भाई 5% फायदा हो रहा है उससे। हाँ फायदा नहीं होगा कि बाहर का बच्चा फटवाड़ा से जन तो फायदे हो अब ये बोले मलो मत मलो फायदे हो नहीं फटवाड़ा बच्चा से जगह। अच्छा चलो बात हो गई गुजर समाज के नेताओं की, अब जो सरकार आ रखी है उससे आप क्या चाहते हैं कि सरकार को भजनलाल सरकार को क्या क्या और काम करने चाहिए? बढ़िया काम करना चाहिए जी, तो फिर आओ आगे कौन कौन सा करे थाकी का ही दिक्कत है ये माँ के तो दिक्कत बूढ़ा बूढ़ा आदमी को तो पेंशन आ ये खर्चा डाल दे तो माँ का खामे चाह रही माँ के तो मानने सोच सरकार बोले माँ का कहीं नहीं चाह रही हूँ पेंशन डाल दे बस मैं तो मेरी सुखी जा जहाँ मोदी डाल रही हो 2000 तो एक कहीं से 1000 रुपया माँ के डाले से 1000 11 से डाल तो माँ का डोकने का तो सारे हुई जन आज का बेटा बुख से नहीं दे कोई कही सोए मैं 2-4 दे से बाकी मोदी धीरे धीरे यो भजन लाल ले देते मैं रुका गुनका पाला भजन लाल ने जो मतलब भाई और जिनके बेटे बहू तक नहीं दे रहे तो उनका मोदी दे रहा है मोदी दे रहा है जैसे यार ये भी माँ का बेटा मर जाए अरे यार यो छोको तो आपने देखी मान रो इन्हें रहो मैं तो कहते इन्हें ही दे जाओ वोट ही देखो आज जीत जाओ जी ना जी का घर में आश्रो होने आश्रो मर जाए तो उन्हें वो भगवान ही समझे मारी नहीं हजारों डोकरा शाह से जहाँ का घर बीड़िया का भी फिया न दे अरे यहाँ को खर्चो चाल बोकर खर्चो पानी चाल बोकर जे पेंशन के अलावा और क्या काम होना चाहिए और तो कहीं जब माँ का खामे चाह रही और तो हो या मत हो माने तो तब तक तो अपन ऊपर चल जाएंगे। चलो और लोग भी हैं, आपका क्या नाम है? शिव जी राम धाकड़। धाकड़ साहब आप बताइए क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? तो यहाँ तो शुरू से बीजेपी बिलोंग गाँव ये तो पहली बार इस चुनाव में और इसी ज्यादा थोड़े बहुत ज्यादा हो गए थे वो बोतल वोतल वाले आ गए थे ना इसलिए आज तक के चुनाव में यहाँ से कांग्रेस ऊपर नहीं आई। धाकड़ समाज किस तरफ? धाकड़ समाज तो बीजेपी शुरू से। क्या वजह है? क्या कारण है कि धाकड़ समाज? वजह तो शुरू से इसे कांग्रेस में तो हम वोट देते नहीं है, दे चाहे नहीं दे बीजेपी को देते। और आपके हीरा लाल जी नागर को मंत्री बना दिया इसलिए? नहीं 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 हीरा लाल जी तो आ जाए आज हीरा लाल जी पहले तो कोटा हूँ वो कांग्रेस हूँ शिवनारायण जी नागर जा तो बीजेपी ने दे जा मैं तो टेट गए। यहाँ की समस्याएं क्या हैं जिसके ऊपर सरकार को काम? यही जी रोड रोड छोटा मोटा काम ये नल की ये रोड ने सब ने फोड़ गया यानी ठीक न कराया एक एकड़ी वालों तो हो गया खैर सेंक्शन सभी रोड हो गया वहाँ सेंक्शन बाहर। हाँ जी थे बताओ। रोड फूट रहे थे नहीं 3 महीने हो गया इन्हें फोड़िया न पाइप लाइन डाली मारे तो 3 फोट गिरा रोड खराब कर बैठा जी कहीं मतलब थोड़ी जब तक लेन ही नहीं डालनी थी तोड़ी क्यों? हाँ 3 महीनों का पुड़िया तक सामने ही वो बालाजी के सामने ही। तो आपके नेता कुछ बोलकर गए कि करेंगे? ध्यान से सबने देख में लिया थे मैं जावा या के बोर्ड तो वो अंदर काम मांगने को कांग्रेस को जाए थे यही भाषा से बीजेपी वाले जाए थे यही भाषा से मैं सब नेता रो मिलिया मारने से तो मान बोर्ड देने से डिजार दिया हो किसको दोगे फिर कोई न्याल नगर अपना गोडा न्याल करी गोडा भी तो नहीं और खाए मतलब कौन है ना बोर्ड लिया कोई पूछबा ना हो ये सब फालतू की बात है अपनी इच्छा और डिजार बोर्ड दिया हो फालतू। बाबा जी आप किसको देने वाले हो इस बार? अरे मन तो दिखे ही कौन जो दरा दे दी दे दे तो आपका मन किसके साथ है? मन 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 को कहीं मुंह ही चल दो रात में फिर भी अमर बर कहीं गिरी तो फिर भी बताने से तो दे दे इनको जल्दी आप तो कहना ही कि अपन उड़ी टप्पो दे दे मन कहीं। अच्छा, 3 नेता बड़े बड़े यहाँ पर खड़े हैं, एक है राजेंद्र गुर्जर, एक है केसी मीणा और तीसरे हैं नरेश मीणा, इनमें अच्छा कौन लगता है? नरेश ने तो कोई नहीं देखे नहीं देखे। इतनी उम्र हो गई आपकी आपने देखा तो होगा मैं देखा मेरे रणम दो। अच्छा सरकार की कोई योजनाओं का फायदा मिल रहा है? मैं तो फायदा की भी जरूरत को ना अपन तो और कोई नहीं नहीं अपना दूध को पिया लो मुझे सीता रहा आप अपने भरोसे हैं भाई पेंशन तो मिल रही है क्या? पेंशन भी बंदे तो बाहर था। अच्छा जब वो भी बंदे महीना हो। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। करेंगे आप बात? क्या नाम है? महावीर गुजर। गुजर साहब क्या है इस बार का यहाँ का माहौल? माहौल तो ठीक ही है। किसके पक्ष में? बीजेपी पक्ष में, पार्टी पक्ष में हम तो। अच्छा मोदी जी के साथ हैं।
मोदी जी के साथ हैं, राजेंद्र गुर्जर के साथ की भजन लाल? मोदी जी के पीछे राजेंद्र जी आ गए थे, राजेंद्र जी के साथ हो गए। क्या वजह क्या है, समाज के हैं इसलिए या फिर और कोई भी कारण? नहीं, काम अच्छा हो रहा है ना। जैसे फौज में देखो भाई, भारत की सीमा में बॉर्डर पे देखो, जैसे सम्मान निधि आ रहा है, हर घर जल नल योजना, कुल मिला बिल्कुल अच्छा हो रहा है। सम्मान निधि और हर घर नल योजना आ रही है, बिल्कुल। सड़कों का जैसे विकास हो गया, हमारे इधर कभी रोड नहीं बनाता, अब स्वीकृत हो गया, अरे काम चालू होने वाला है, अरे हो गया, इधर तो हो गया चालू, अच्छा हो रहा है। पार्टी के साथ ही है, थोड़ा सा बेसला जी का टिकट काट दिया इसलिए थोड़ा सा मन में कटास ही आती है। अच्छा, लेकिन फिर भी पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, तो बीजेपी के साथ ही। तो बेसला जी ज़्यादा अच्छे उम्मीदवार होते कि राजेंद्र जी? अच्छे तो दोनों ही हैं, पर बेसला जी बहुत अच्छे हैं। क्यों, क्या खास है? वो लीडर थोड़ा दमक नेता आ गया, वो डरने वाला नेता नहीं है। अब राजेंद्र जी के तो ये सिंपल आदमी है, साधारण आदमी है, वो थोड़ा बड़ा लेवल का नेता है, केंद्रीय लेवल का नेता आ गया, वो तो ज़्यादा ताकत तो उसमें है राजेंद्र बेसला जी में। अब क्या उम्मीद है आपको कि राजेंद्र गुर्जर जी अगर जीतते हैं तो क्या करें आपके लिए? ये भी अच्छे आदमी है, ये भी ऐसी बात नहीं, वो भी डायरेक्ट फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन करो तो कॉल करो तो डायरेक्ट फ़ोन उठाते हैं, और जो काम जाए उसके तो होगा। वह सही आदमी है भी। अच्छा, यहाँ पर नरेश मीणा भी खड़े हैं और केसी मीणा भी है, उनका क्या माहौल है? ना तो नरेश मीणा को जानते हैं ना केसी मीणा को जानते हैं। ये आपके उम्मीदवार है? अब ये पार्टी छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के वापिस इधर निर्दलीय खड़ा हो रखा है, अभी क्या इसलिए क्या यह करें इसको? अरे केसी मीणा को जानते नहीं, पहली बार नाम सुना, तो पहली बार नाम सुना केसी मीणा को, अब आएगा फील्ड में आएगा पता चलेगा। पहले तो वो बीजेपी के ही पोस्टर लगाते थे। कहाँ पे? पहले बीजेपी में ही थे, फिर बाद में लोग बताते हैं आपके यहीं के कि अब कांग्रेस में टिकट मिला है तो कांग्रेस में आ गए। यही तो बात है ना, जनता को चूतिया बना देते हैं, जनता बोली जनता है जो किधर भी कर देते बाबड़े, जो उसके पीछे पीछे चलती है। तो ऐसे नेता तो बड़े बड़े नेता बदल देते हैं, इधर का इधर उधर का उधर, और हम जनता है जो हम उसके पीछे पीछे चलते हैं, और एन वक्त पे बदल देते हैं। जैसे पायलट साहब है, पायलट साहब के साथ धोखा हुआ, पूरी समाज, हम गुजर समाज नहीं, पूरी साथ तो कौम छत्तीस कौम उसके साथ थी, फिर बाद में धोखा कर दिया सरकार बनते ही, उसका भी बहुत फर्क पड़ा। इससे भी गुजर समाज नाराज है? बिल्कुल नाराज है ना, बिल्कुल नाराज है। वो उसको गलत बोला वो पे, तो फिर भी वो पार्टी नहीं छोड़ा, दूसरी पार्टी बना लेता तो वो जीत जाता। गुजर समाज अब साथ, क्या अब पायलट साहब का उतना प्रभाव है कि गुजर समाज के लोग उनके कहने पर वोट दें? नहीं नहीं, हम नहीं देंगे। क्यों नहीं? क्यों, वो निकम्मा बहुत बोलता है गहलोत साहब। हाँ, अब वो छोड़ा ही नहीं पार्टी, तो हम उसके साथ कैसे जाएं? गहलोत साहब ने उनको सब कुछ कह दिया फिर भी वो पार्टी छोड़ा ही नहीं, निकल जाता बाहर। अच्छा, तो गुजर समाज इससे थोड़ा आहत तो ना, अब साथ नहीं है पायलट के साथ नहीं है, हम तो बीजेपी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, और मोदी जी जिंदाबाद। एक व्यक्ति और हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रवणलाल गुर्जर। गुर्जर साहब, पायलट को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं यहाँ पर, क्या उतना प्रभाव है, क्या पायलट के कहने पर गुर्जर समाज के लोग देवली उनियारा में वोट देंगे, बदलेंगे? पायलट के कहने पर वोट नहीं देंगे, ताकि बेसला जी के जो आह्वान होता है उसके आधार पर वोट पड़ेंगे। बेसला जी ने जो लीडरशिप की है गुजर समाज की, उन्होंने हमारे समाज को बहुत ही आगे बढ़ाने का कार्य किया है, और जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं उनसे भी हमारे को लाभ मिल रहा है, इससे पीएम किसान निधि योजना है, जनधन योजना है, इससे लाभ मिल रहा है, ताकि मोदी सरकार मोदी है तो नामुमकिन है। अच्छा, भजन लाल सरकार की योजनाओं कोई असर है यहाँ पर? हाँ, असर तो है ना। कौन सी योजना है? इससे अभी 1000 भी डाल रहे हैं किसानों के लिए, और पेंशन की योजना है मिल रहे हैं, उनसे भी लाभ मिल रहा है, और जो अभी जो सड़कें स्वीकृत हुई है लगभग 45,000 के लगभग योजनाएं स्वीकृत हुई है, अभी सड़कें स्वीकृत हुई है, इसका भी लाभ मिल रहा है, और भी अन्य प्रकार की योजनाएं हैं। तो आप चूंकि यहाँ पर कांग्रेस का नहीं बीजेपी का माहौल बता रहे हैं, तो और क्या कारण है यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में लोग इतना क्यों आए? यहाँ से शुरू से बीजेपी का माहौल ज़्यादा रहा है, जब देश आज़ाद हुआ ना तब से बीजेपी निकल रही है यहाँ से, डूब छत्र सात तो बन जाता है ना, ये बीजेपी की है, यहाँ से बीजेपी भी बढ़त बन जाती है यहाँ से। आगे जाके धोने की तरफ की माहौल ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ से तो सात पंचायत बीजेपी बढ़ के जाती है।
चलिए ये थे देवली उनियारा के मतदाता, जिन्होंने अपनी मुख्य समस्याओं को, अपने मुख्य मुद्दों को रखा, साथ ही में गुर्जर समाज की विशेष रूप से क्या मांगे हैं, उनकी नेताओं से क्या अपेक्षाएं हैं और वो नेताओं को लेकर क्या सोचते हैं, वो भी उन्होंने हमारे जरिए आप सब लोगों के सामने रखा। धन्यवाद, देखते रहिए रिपोर्टर साहब।